मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भारत और चीन सीमा पर विवाद के दौरान हुए हिंसक झड़प में चीन के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। क्षेत्र के तमाम लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग की है तथा युवाओं ने चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा स्थानीय बुद्धिजीवियों ने चीन को करारा जवाब देने की बात कही। सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन नवाबगंज ब्लॉक अध्यक्ष जमील अहमद अंसारी ने कहा कि क्षेत्र के नागरिक चीन के उत्पादों का बहिष्कार करें। वहीं पत्रकार मोहम्मद शाहिद अंसारी ने कहा कि भारतीय सेना को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए तथा शहीद सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ न होने दें। हम लोग चाइना के सामानों का बहिष्कार करते हैं और हम अपनी सेना से ये कहना चाहते हैं कि चाइना का मुंहतोड़ जवाब दें, जो 20 जवान शहीद हुए हमारे उनका बदला लें। चाइना मुर्दाबाद। चाइना मुर्दाबाद। चाइना मुर्दाबाद। पूरन वर्मा ने शहीद सैनिकों के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सीमा पर चीन आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों को फोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी गतिविधियों को भारत सरकार बर्दाश्त ना करे जो देश हित के खिलाफ हो। वहीं सीमा पर विवाद के बाद भारत नेपाल सीमा पर प्रशासनिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। सिराज अहमद अंसारी, सीमा पर जो 20 जवान शहीद हुए उसके बारे में क्या कहना है? मैं ये चाहता हूँ कि जो विगत 3 दिन पूर्व जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर जिस तरह से चाइना ने कार्यकर्ता का प्रयोग किया है, उस तरह से 20 जवानों का बलिदान हुआ। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार से कि उसका मुंहतोड़ जवाब दे। नेपाल से जनपद बहराइच की लगने वाली सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। क्षेत्र को सेक्टरों में बांट अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं भारत नेपाल से लगने वाली जनपद बहराइच व ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों में चीन की नापाक हरकत से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सिराज अहमद बाबू मोई आदि युवाओं ने चीनी उत्पादों की लोगों से बहिष्कार करने की मांग की तथा सरकार से मांग की है कि शहीद सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाए। अखंड भारत न्यूज के लिए मिसबाहुर रहमान अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।